चलत मुसाफिर मोलिया रे फिजरे वाले। शंकर भाई क्या बात है, आपकी दुकान में तो माल चकाचक भरा हुआ है, कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? अरे हाँ बिरजू, लॉटरी ही समझो, और वो भी पूरे 10,000 रुपए की। लॉटरी? अरे लॉटरी नहीं, लोन। अरे वो भी बैंक से। लोन? तब तो हो गया पूरा सत्यानाश, अब तो बैंक की किस्तें भरते रहना उम्र भर बस। अरे भाई ये वैसा लोन नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। इस लोन में न तो तुम्हें कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी और न ही तुम्हें ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, और लोन का 7% ब्याज सब्सिडी के तौर पर सरकार देगी। और भैया बिरजू एक बात और सुन लो, जब किसी ग्राहक से तुम मोबाइल से पैसा लोगे, जिसे हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कहते हैं, समझ रहे हो ना, तो उसका तुम्हें अलग से फायदा मिलेगा। अच्छा। हाँ, और प्रोत्साहन के तौर पर 1200 रुपए तक सालाना तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्या मजाक कर रहे हो शंकर भाई, ऐसा भी कोई लोन होता है क्या? अरे हाँ भाई बिरजू, तुम्हें तो पता ही है कोरोना के कारण बढ़ते हुए लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा दुकान सब ठप पड़ गया था। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए लोन देने की शुरुआत हुई है। देसी भाषा में कहें तो ये लोन नहीं बल्कि समझो एक प्रकार से हमारी मदद ही हुई। भैया तनिक समझाओ जरा, इसमें तो बहुत चक्कर लगाना पड़ता होगा और मुश्किल भी बहुत आती होगी। अरे नहीं भैया, जब पूरा प्रशासन तुम्हारी मदद के लिए खड़ा है तो कैसी मुश्किल, बहुत आसान है। बस वही करते जाओ जो मैंने किया, बस अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी और अपने बैंक के खाते की जानकारी और वेंडिंग का प्रमाण पत्र लेकर सीधा नगर पालिका के दफ्तर या अपने नजदीकी सरल सेवा केंद्र पहुंच जाओ, बस आपका काम आसान। और नगर पालिका में अप्लाई करने के बाद बैंक में जाकर एक फॉर्म भर देना, बैंक मैनेजर आपका फॉर्म चेक कर लेगा। और? अरे और क्या, सीधे 10,000 तुम्हारे खाते में बस। लेकिन भैया नगर पालिका का प्रमाण पत्र तो मेरे पास है ही नहीं। अरे तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी आपको लोन मिलेगा। अगर तुम 24 मार्च 2020 के पहले से धंधा कर रहे हो तो नगर पालिका से आपको LOR का कागज मिलेगा, जिससे आपको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर बस एक लोन के लिए इतनी मशक्कत? अरे ये लोन नहीं पगले, तेरे किस्मत की चाबी है। वो कैसे? हाँ तो सुनो, तुमने लोन की सभी किस्तें समय पर चुकाई तो अगले साल तुम्हें और भी बड़ा लोन मिल पाएगा, मतलब और बड़ा काम धंधा। और दूसरा, अगर लोन लेने जाते हो तो नगर पालिका तुम्हारी जानकारी संभाल कर भी रख लेगी, और कल को मान लो कोई विपदा या महामारी या कोई सरकारी स्कीम आती है तो नगर पालिका आपकी सहायता भी कर सकती है। और एक डिजिटल ID कार्ड मिलेगा तुम्हें नगर पालिका द्वारा, जो आपके स्ट्रीट वेंडर यानी पथ विक्रेता होने का प्रमाण होगा। सुरक्षा, इज्जत और विकास तीनों मिलेंगे आपको। और एक राज की बात बताऊं तुम्हें? क्या भैया? दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रशासन के हमारे प्रिय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी का ये निर्णय है कि PM स्वनिधि का लाभ लेने वाले समस्त पथ विक्रेताओं को प्रशासन के सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो समझो अगर लिया PM स्वनिधि का लाभ तो मानो हुआ तुम्हारा पूरा कल्याण। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके, इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज दे करके रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। और हिंदुस्तान के हर शहर में
जितने भी हमारे रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनको बैंक से पैसा मिले इसके लिए आप सक्रिय प्रयास करेंगे। आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। देश भर के जो साथी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।